नमस्कार, कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे में कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आपने कमोडिटी बाजार में कहीं पर निवेश किया है और आप जानना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाना होगा। हमारे टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, 1800-1800-3545, और इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 01200-4258237। इन नंबर्स पर हमें कॉल लगाएं, अपने कमोडिटी से जुड़े सवाल पूछें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिल जाए। इसके साथ ही हमारे साथ जाने माने दिग्गज भी जुड़ेंगे जो कमोडिटी बाजार से जुड़े निवेश के नजरिए अपने बताएंगे, अपने टॉपिक बताएंगे, जहां पर आप निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जरा कमोडिटी बाजार के बारे में एक बार समझ लेते हैं, आज कमोडिटी बाजार कैसा रहा। नॉन एग्री कमोडिटी और साथ ही एग्री कमोडिटी की अगर आज की बात की जाए तो सुस्त कारोबार यहां पर देखने को मिला। एग्री कमोडिटी की चाल पर एक नजर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर कारोबार बंद हो चुका है। गुआर सीड पर लगभग 42 रुपए की गिरावट देखने को मिली। NCDX पर 4582 के स्तर आप देख रहे हैं और इसी के साथ गुआर गम में भी क्लोजिंग 101 रुपए की गिरावट के साथ 9858 के स्तर पर। साथ ही चने की अगर बात की जाए, यहां पर भी लाल निशान के साथ ही गिरावट का रुझान देखने को मिला। तो गुआर गम और चने में आज के सत्र में गिरावट थी। साथ ही तिलहन के कारोबार की अगर बात की जाए, सोयाबीन में हल्की खरीदारी 3370 के लेवल्स यहां पर दिखे। साथ ही NCDX पर अगर सोया ऑयल की बात की जाए, यहां पर हल्की खरीदारी का रुझान और साथ ही रेंज बाउंड कारोबार। मसाला पैक पर एक बार नजर बनाएंगे, मसाला पैक में हल्दी और धनिया में लाल निशान के साथ कारोबार। दरअसल आज तमाम मंडियां, काफी राज्यों की मंडियां जो है वो बंद थी और इसके चलते एग्री कमोडिटी की अगर बात की जाए तो कल खरीदारी का रुझान देखने को मिला था, लेकिन आज बिकवाली का दबाव देखना पड़ा। जीरा पर अगर एक नजर बनाई जाए, यहां पर मसाला पैक में खरीदारी 165 रुपए की खरीदारी 19,850 के स्तर यहां पर देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा अगर धनिए और हल्दी की बात की जाए तो यहां पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। इसी के साथ बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी की और यहां पर बुलियन मार्केट में प्रेशियस मेटल्स पर अगर एक बार नजर की जाए तो लगभग 64 अंकों की तेजी के साथ 29,394 के स्तर MCX पर गोल्ड में देखने को मिले। और आपको बता दें कि रुपए में आज कारोबार बंद था पारसी न्यू ईयर के चलते, लेकिन रुपए की कमजोरी के स्तर जो दिख रहे हैं उसका कुछ हद तक सहारा गोल्ड को मिलता हुआ दिखा। वैसे कल के सत्र में ही रुपए की कमजोरी के चलते सहारा देखने को मिल सकता था, लेकिन इसके विपरीत बुलियन मार्केट में काफी हद तक कमजोरी का रुझान देखने को मिला। सिल्वर में भी कुछ हद तक रिकवरी देख रहे हैं हम, 36,850 के स्तर पर यहां पर MCX पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एनर्जी पैक की बात करेंगे, क्रूड में हल्की खरीदारी का रुझान है, 4,617 के लेवल्स के आसपास क्रूड में भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। क्रूड कीमतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिकवरी का आलम हम देख पाएंगे। और इसी के साथ बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जिंक में एक लाल निशान के साथ कारोबार है और साथ ही कॉपर में भी 405 के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। इसके अलावा निकल की अगर बात की जाए, 932 के स्तर, यहाँ पर भी उठा पठक का कारोबार देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में पूरे बेस मेटल पैक में बिकवाली का दबाव देखने को मिला था और आज कुछ हद तक रिकवरी आई, लेकिन अगर इसके ट्रेंड की बात की जाए, तमाम बेस मेटल्स ने पिछले 5 महीनों में लगभग 25-35% तक की गिरावट का रुझान देख लिया है। लेड और अल्यूमिनियम आप देखेंगे, यहां पर भी बिकवाली का दबाव फिलहाल है, तो कुछ हद तक रिकवरी का मोड देखने को मिला दिन के चलते और आज फिलहाल यहां पर बिकवाली का दबाव दिख रहा है। इसी के साथ नेचुरल गैस पर एक नजर बनाएं, 206 के लेवल्स यहां पर फिलहाल दिख रहे हैं। तो ये तो था एग्री कमोडिटी और साथ ही नॉन एग्री कमोडिटी का हाल, लेकिन बुलेटिन में हमारे साथ दिग्गज भी जुड़े हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अजय बहती जुड़े हैं और साथ ही SSJ कमोडिटीज के प्रियांक उपाध्याय भी जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मेटल पर ही मैं आपसे एक आउटलुक लेना चाहूंगी। मेटल में वैसे देखा जाए तो गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है, कुछ हद तक आज के सत्र में रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अगर करंट लेवल्स की भी बात की जाए, तमाम बेस मेटल्स में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। और साथ ही पिछले दिनों के ट्रेंड की अगर बात की जाए, काफी हद तक गिरावट मेटल में दिखी है। तो प्रियांक, आपको क्या लगता है, गिरावट और गहराएगी?
देखिए, ऑलरेडी हमने सारे बेस मेटल्स में गिरावट देखी है और अभी लोअर लेवल्स पे कुछ संभलता हुआ दिख रहा है मार्केट, बट नेवरथलेस अभी भी ट्रेंड जो है वो ऑन द डाउन साइड का दिखता है. तो जो भी पुल बैक रहेगा वो हमें रिलीफ रैली की तरह ही देखना चाहिए. एक रिलीफ रैली ज़रूर आ सकती है क्योंकि सारे बेस मेटल्स ओवरसोल्ड जोन्स में हैं, तो एक रिलीफ रैली के बाद हायर लेवल्स पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा और फिर से हम एक मुझे लगता है साइडवेज कंसोलिडेशन का माहौल इमर्ज होता हुआ देखेंगे विद अ नेगेटिव बायस. ठीक है, चलिए इसी के साथ पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक कानपुर से ये जुड़े हैं. आलोक नमस्कार, अपना सवाल पूछें. नमस्कार प्रियांक जी, प्रियांक जी से सवाल है, ये कॉपर के बता दिए कि कितने लोअर लेवल देखने को मिलेंगे. जी बिल्कुल, आपने कितना निवेश किया है हमें बताएं. 1 लाख बेच रखा है, क्या 395 मिल जाएगा? और चांदी हमने 40,800 रुपए में बेच रखी है, ये बता दो. आप लोग बार बार दिखा देते हो 38,000 रुपए बाई कर लो, 37,000, बाई करने के बजाय हमने अगर बेची हुई पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो हम कहाँ पर इसको बुक करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये गिरती जा रही जी है. बिल्कुल आलोक, आपको यहाँ पर सटीक सलाह मिलेगी. प्रियांक, एक लॉट चांदी और साथ ही कॉपर पर भी इन्होंने एक लॉट बेच रखा है. अगर बात की जाए यहाँ पर कॉपर की, तो करंट लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए और साथ ही चांदी में भी इनको आप राय दीजिए. देखिए, अगर शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं. अगर मल्टीपल लॉट्स ऑफ कॉपर है तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि करंट लेवल पे एक लॉट बुक कर सकते हैं और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 420 का. 420 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू होगा तो एक रैली बिल्टअप होते हुए हायर लेवल्स तक दिखेगी, वरना ऑन द डाउन साइड हम एक बार 400 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर वो टूटता है तो मेरे हिसाब से 395-392 जोन्स आ सकते हैं, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. सिल्वर उन्होंने 40,800 के आसपास सेलिंग पोजीशन अपनाई है, वो काफ़ी इन द मनी चल रहे हैं. मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी टू फॉलो एज ऑफ नाउ. 37,500-37,800 ये आसपास के एक लेवल्स रहने चाहिए एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अगर 37,800 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होए तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए. ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो 36,300 के आसपास के लेवल्स रहेंगे जहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. जी बिल्कुल, तो आलोक देखिए दोनों पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, 420 का स्टॉप लॉस कॉपर पर लगाएं और साथ ही सिल्वर में 36,850 के स्तर फिलहाल दिख रहे हैं. 37,500 से 37,800 का आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं. उम्मीद करती हूं आपको आपके सवालों का जवाब मिला है. इसी के साथ मिस्टर एस जना हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं. नमस्कार, सवाल पूछें. नमस्ते जी. जी नमस्ते जी, बताएं. जी एल्युमिनियम की 4 लॉट मेरा बाइंग में है, रेट है 145, व्हाट टू डू नाउ. जी अजय जी, एल्युमिनियम 4 लॉट इन्होंने खरीद रखे हैं 145 के स्तर पर, 141 के लेवल्स फिलहाल यहां पर दिख रहे हैं. वैसे भी मैं बेस मेटल्स की बात प्रियांक से कर ही रही थी, ओवरऑल बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक क्या है और साथ ही इनके लिए राय क्या रहेगी. देखिए, अगर पहले एल्युमिनियम की बात कर ले तो आई थिंक ये थोड़ा स्लो काउंटर है, बहुत ज्यादा तेजी मंदी जल्दी इसमें आती नहीं है. कहीं ना कहीं इसमें 140 का जो लेवल है वो काफी क्रिटिकल है ऑन द लोअर साइड, तो फिलहाल पोजीशन में बने रह सकते हैं. आज कोई बड़े बाउंस की उम्मीद तो नहीं है मुझे, बट आई थिंक ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड देखे तो जब तक 140 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक आई थिंक इनको लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं. ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन करें. 141 के लेवल्स फिलहाल एल्युमिनियम पर दिख रहे हैं और तमाम बेस मेटल्स की भी अगर बात की जाए तो करंट लेवल्स पर यहां पर बिकवाली का दबाव और लाल निशान के साथ ही कारोबार दिख रहा है. भावना ये बरेली से जुड़ी है हमारे साथ. भावना नमस्कार, सवाल पूछे अपना. नमस्ते मैम, हमारा सवाल मेंटा से है कि 1600 के लिए रखा है, हम इससे निकल जाए या अभी होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, जी बताएं. ओके अजय, मेंथा पे इनका सवाल है, भविष्य कैसा रहेगा. इन्होंने निवेश किया यहाँ पर 1,651 के लेवल्स फिलहाल दिख रहे हैं, 1% के आसपास की गिरावट मेंथा में आज के सत्र में. और वैसे भी एग्री कमोडिटी की बात की जाए तो आज काफी हद तक सुस्त कारोबार रहा. मेंथा पर आपका आउटलुक क्या रहेगा. देखिए, मेंथा का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है, तो आउटलुक डेफिनेटली अभी भी तेजी का बना हुआ है. पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड सा कारोबार इसमें चल रहा है, थोड़ा सा साइडवेज है, बट आई थिंक एक आधा डिप और आ सकता है 1620 के करीब, बट ब्रॉडर ट्रेंड तेजी का ही रहेगा, तो मुझे लगता है डिप पर बाय करने की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी.
ठीक है, तो बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि 1651 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर लगभग 1% के आसपास की गिरावट एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल पर दर्ज की जा रही है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश, ये भिवानी से जुड़े हैं। जगदीश नमस्कार, सवाल पूछे। हाँ नमस्कार जी, कॉटन में जी 25,000 रुपए कब हो जाएगी कॉटन में जी? प्रियांक यहाँ पर कॉटन में ये आउटलुक जानना चाहते हैं। अगर एमसीएक्स पर कॉटन की बात की जाए, अब जहाँ पर भी बिकवाली का दबाव है, लगभग 0.5% के ऊपर की गिरावट है, 23,370 के लेवल्स फिलहाल दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में कॉटन पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? जी अजय, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी थोड़ा बेरिश रहना चाहिए। जी प्रियांक बताएं। देखिए फिलहाल मुझे लगता है कि 23,600 ये एक हायर साइड रेजिस्टेंस जोन है। अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब एक तेजी का रुख बन सकता है, वरना ऑन द डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 23,100 के लेवल्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल, अजय कॉटन पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? देखिए 24,000 काफ़ी क्रूशियल था कॉटन के लिए, ये करीब करीब 24,000 से पिछले 3 बार घुमा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर लॉन्गर टर्म आउटलुक के लिए 24,000 का लेवल क्रिटिकल हो जाता है। हालांकि ये 25,000 की बात करें तो मुझे लगता है अगर कॉटन दोबारा से 24,000 के ऊपर टिक जाए, 24,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, टारगेटिंग 22,950 ऑन द लोअर साइड। ठीक है, तो 160 अंकों की गिरावट फिलहाल 23,370 के लेवल्स एमसीएक्स पर कॉटन पर हम फिलहाल देख रहे हैं। इसी के साथ एक और कॉलर नितिन, ये इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन नमस्कार, सवाल पूछे। जी मेरा $4,167। ठीक है, जिंक पर आपने 4 लॉट की खरीद की है 167 के लेवल्स पर। प्रियांक जिंक पर करंट लेवल्स जिस तरह से हम देख रहे हैं 166 पर लाल निशान के साथ यहां पर भी कारोबार है, इस पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? और अगर पिछले दिनों की बात की जाए, कुछ 5 महीनों के ट्रेंड को अगर निकाला जाए, जिंक पर लगभग 25% के आसपास की गिरावट दर्ज हो चुकी है। नितिन के लिए आपकी राय जिंक पर क्या रहेगी? देखिए एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म ऐसा लगता है कि एक पुल बैक आ सकता है, अभी भी ट्रेंड डाउनसाइड का ही दिखता है, तो मेरा यही सलाह रहेगा कि अगर पुलबैक आती है मे बी अराउंड 168-170 जोन्स अगर आते हैं तो वहाँ पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 163 के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो 163 का स्टॉप लॉस, जिंक पर करंट लेवल्स 166 दिख रहे हैं, लगभग 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार। एक और कॉलर राकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश नमस्कार, सवाल पूछे आप। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मैंने चांदी चांदी 2 लॉट बाइंग कर रखी 39,700 पे और गोल्ड बाई कर रखा मैम 30,300 पे 2 लॉट। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ दिवाली पे क्या, मैं ज्वेलर्स हूँ, दिवाली पे क्या रेट आ जाएगा, ये लॉस तो नहीं होगा? जी बिल्कुल प्रियांक, गोल्ड पर एक तो और चांदी, 2 लॉट की खरीद चांदी पर है, 39,700 के लेवल्स पर है, करंट मार्केट प्राइस 36,868। आज के सत्र में सिल्वर पर बिकवाली का दबाव ही दिखा है, लेकिन अगर सोने की बात की जाए यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली है, यहाँ पर भी उन्होंने 2 लॉट की खरीद कर रखी है, 29,390 के ऊपर के लेवल्स गोल्ड पर दिख रहे हैं, 62 अंकों की तेजी के साथ यहाँ कारोबार। इनका सवाल यह है कि दिवाली फेस्टिवल सीजन आते आते बुलियन मार्केट में आउटलुक कैसा रहेगा? देखिए पहले तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जब भी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो इतना आउट ऑफ मनी पोजीशन और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ वो आउट ऑफ मनी है सिल्वर पे, गोल्ड पे भी ऑलमोस्ट 500-800 पॉइंट्स आउट ऑफ मनी है। डजेंट मेक सेंस टू होल्ड सो लॉन्ग इन लॉस पोजिशंस, स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अभी दिवाली तक मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, बट जिस तरह से गोल्ड ने 1200 का लेवल्स जो हम मान रहे थे एक सपोर्ट था वो एक ब्रेक हुआ है, तो इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ज़्यादा दिखते हैं।
ऑन द डाउन साइड 1150 1140 ये सब लेवल्स भी आ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो एक डेड कैट बाउंस रैली आ सकती है इमर्ज ओवरसोल्ड कंडीशंस के लिए, तो एक बाउंस बैक में मे बी अराउंड 29,600 29,700 तक एक बाउंस बैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड गोल्ड का नेगेटिव दिखता है, और सिल्वर में भी अगर रैली आती है मे बी अराउंड 37,500 38,000 जोन्स तक अगर एक बार सिल्वर की रैली आती है तो एक बार पोजीशन में से निकल जाना चाहिए, और डाउनसाइड में 36,300 36,000 ये लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है। वैसे भी अगर राकेश बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी काफी हद तक मायने रखते हैं जब हम बुलियन मार्केट की बात करें, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की जब हम बात करते हैं डॉलर में मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है, इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बुलियन मार्केट पर भी दिख रहा है। हम आपको अक्सर हिदायत देते हैं कि स्टॉप लॉस लगाकर आप निवेश करें, लेकिन फेस्टिवल सीजन की क्योंकि आप बात कर रहे हैं गोल्ड में 29,600 और साथ ही सिल्वर में 37,500 के लेवल्स हम फेस्टिवल सीजन तक देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव और अब ललित बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित नमस्कार, सवाल पूछे आप। नमस्कार मैम जी। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग्वार ये 7,000 से दिसंबर तक आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो कितनी आ सकती है मैडम जी? ग्वार में आपका निवेश है? जी जी जी। ठीक है, अजय यहाँ पर ग्वार 4,582 के स्तर दिखा रहा है, इन्होंने ग्वार में निवेश किया और आने वाले दिनों में ग्वार किस लेवल्स पर जा सकता है ये जानना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है ग्वार में अगर बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो तेजी जारी है अभी भी, बट अगर आप थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। इसके पहले भी ग्वार 4,750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था और अब दोबारा से रेजिस्टेंस के करीब पहुंच ही गया है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत अपसाइड और है प्रोबेबली 4,700 तक, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके ऊपर ग्वार फिलहाल शॉर्ट टर्म में सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, ग्वार सीड अक्टूबर के वायदे पर बाइंग कॉल इनिशिएट करने की राय है। 4,720 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर 4,520 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। धर्मपाल जुड़ गए हमारे साथ। धर्मपाल नमस्कार, सवाल पूछे अपना। नमस्कार जी। जी मैं से बोल रहा हूँ जी, मेरे पास 200 बोरी ग्वार है, मैं किसान हूँ जी। बिल्कुल अजय, इनका भी ठीक है, इनका भी सवाल ग्वार पर ही, हाजिर में ग्वार का स्टॉक है इनके पास, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए क्योंकि इनके पास फिजिकल स्टॉक है तो आई थिंक इनको थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आई थिंक 4,500 क्रिटिकल रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देखें तो 4,300 का लेवल डाउनसाइड पे काफी क्रूशियल है। जब तक 4,300 के ऊपर है ये अपना स्टॉक रख सकते हैं, अगर 4,300 ब्रीच हो जाता है तो आई थिंक ग्वार का आउटलुक खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ एग्री पैक की अगर बात की जाए, चने और जीरे में फिलहाल जिस तरह का कारोबार होता हुआ दिख रहा है, निवेश के नजरिए से आपका आउटलुक क्या रहेगा? स्पेसिफिक अगर चना में आप देखें तो तेजी का रुख अभी भी जारी है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमने देखा है पिछले 3-4 सेशन में, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं लगता है करंट लेवल से, बट आई थिंक अगर 2-3 सेशन की बात करें तो डिप बाइंग की रणनीति रखना बेहतर रहेगा। इमीडिएट टारगेट अपसाइड में रहेगा 4,400 4,420 तक का। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसी कॉल्स हम आपको बताएंगे जहां पर आप निवेश करने का मन बना सकते हैं रैपिड फायर कॉल्स में। अजय सबसे पहले आपकी रैपिड फायर कॉल बताएं। M6 नेचुरल गैस में बाइंग की सलाह रहेगी 204 के लेवल पे, 201 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, टारगेट रहेगा 208 208 50। जी बिल्कुल, प्रियंका आपकी तरफ से रैपिड फायर कॉल। मेरी पिक नेचुरल गैस रहेगी, 203-204 के आसपास बाई किया जा सकता है, 198 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट्स 212 के आसपास के रहेंगे। जी बिल्कुल, और अजय आपकी अगली रैपिड फायर कॉल। M6 लेड में बिकवाली की सलाह रहेगी 141 के लेवल पे, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 143 का, टारगेट रहेगा 138। जी बिल्कुल अजय और प्रियांक, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ कमोडिटी लाइव में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके मुनाफे की खबरें ढेर सारी हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।